अब हमें पता चला कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं, और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो भी तैयार हो गए हैं, वो जाके धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने ना गए दूसरी तरफ तो हम ये कर देंगे। मैं आज इन सबसे सवाल पूछता हूं, मैं ये पूछता हूं कि क्या तुम्हें पाकिस्तान की फिक्र है? क्या तुम्हें फिक्र है अपने मुल्क की कि जो अवाम के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो? तो ये जरा गौर से चिश्तिया ये इनके लीडर्स के मुंह से सुने ये क्या कह रहे हैं। तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की अवाम करे। सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद को जो निज़ाम है इस्टेब्लिश बगैर मुमकिन नहीं है, कोई डील करके इक्तदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुश्त पे हो। इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील करती है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी बकरनम खुद जो है मौजूद है। तो मैं चिश्तिया सुना आपने ये सारे इनके लीडर कह रहे हैं के एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद नहीं हो सकती। अब इसका दूसरा मतलब क्या है कि अगर पंजाब में आप अदम एतमाद कामयाब हुई तो इनके बकौल इनकी जबानी ये एस्टेब्लिशमेंट करवाएगी। फैसले की तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी का चीफ कौन बनेगा, वो आदमी जो मफरूर है, सजायाफ्ता है, जिसके अरबों रुपया बाहर पड़ा है, जो उस साजिश में, बैरूनी साजिश में, अमरीकी की साजिश में मिलकर इन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर हमारी हुकूमत गिराई और करोड़ों रुपया चोरी का खर्च करके हमारे लोगों को खरीदा। दो लोटे तो यहां बहावलनगर से भी अब बेच बिके। और बहावलनगर जरा ये जो आज आपका वजीर आजम है, मैं बार बार चाहता हूं कि मेरी सारी कौम सुने कि वजीर आजम आपका किस तरह का है। जरा नीचे जरा ये दिखाओ कौम को कि वजीर आजम दौरे करके क्या कह रहे हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके आया, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ही मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। आपको मिलेगा, जरा सड़क पे जाएं तो जो मांगने वाला मिलेगा वो ये कहेगा कि मैं मांगना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, बड़ी मजबूरी है। और फिर अगर वो अकलमंद होगा
कहेगा फिक्र ना करें, थोड़ी देर के बाद मैं पैसा कमा के वापस दे दूंगा जब मजबूरी खत्म होगी। ये आपका वजीर आजम कह रहा है जो कि इंपोर्ट करके आपके ऊपर मुसलत किया गया। तो चिश्तियां, दूसरी चीज अब सुने जरा, एक मेरे नबी ने कहा कि जो कौम इंसाफ नहीं करती ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आती वो तबाह हो जाती है। एक ये कि ये ताकतवर डाकू जिसमें जरदारी, नवाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, और तीसरा कौन है, यानी वो, अच्छा मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो डीजल के परमिट पे अपने आप को बेचता है, समझ गया। माशाल्लाह बड़ा शऊर है मेरे चिश्तियां के लोगों में, नौजवानों में। अच्छा अब दूसरी चीज जो मैं आपको अब बताना चाहता हूं कि दूसरी चीज, मेरे नबी ने जब मदीना की रियासत संभाली तो उन्होंने एक अल्लाह का फरमान बताया, अमर बिल मारूफ व नहीं अनल मुनकर, यानी कि तुम हम सबको इंसानों को कहा है, अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि हम अच्छाई के साथ खड़े हों। फर्ज है हमारे ऊपर कि हम अच्छाई का साथ दें और बुराई के खिलाफ खड़े हों। तो जो आप वोट डालने जाएगा चिश्तिया में, मैं तो जानता नहीं कि मुजफ्फर के खिलाफ कौन लड़ रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं मैंने सुना इसके पास बहुत पैसा है। अब मैं नहीं जानता इसको, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि चिश्तियां, अगर किसी ने भी आपने इसको वोट दी, इसका मतलब आप भगोड़े नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, मुजरिम को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब आप बुराई के साथ खड़े हैं, इसका मतलब कि अल्लाह के फरमान के खिलाफ आप जा रहे हैं। क्योंकि जो सजाए याफ्ता वहां से लंदन से बैठ के हुक्म कर रहा है, जिसकी ये पार्टी है, जिसको ये लीडर मानते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या वो कौम जो मुजरिमों को वोट देती है उसका क्या मुस्तकबिल होगा? कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तो आज मैं तो नहीं जानता ये आदमी कौन है, लेकिन मैं आप सबको कहता हूं कि ये आपके ऊपर लाजिम है कि आप ये मुजफ्फर को जताएं, और ये पार्टी जो 30 साल से जो कहती थी जरदारी करप्ट है, इन्होंने जरदारी को जेल में डाला, जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है, 20 साल इन्होंने एक दूसरे को चोर कहा, और आज दोनों चोर और ऊपर से फजल रहमान इनके साथ इकट्ठा हो गया, एक खौफ से कि ये डरे हुए हैं, ये सब डरे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को हटाओ, इसको डिस्क्वालीफाई करवाओ, इसके ऊपर केसेस डालो, इसके ऊपर FIR काटो, इसके ऊपर तोहीन मजहब लगाओ। मेरे ऊपर तोहीन मजहब का इन्होंने FIR काटी है, सुने जरा। मैं यहां 27वीं रात को मौलाना तारिक जुबेर से बुलाया और हमने दुआ की, शब दुआ कि अल्लाह हमारे मुल्क पर करम कर, इन चोरों से, इन डाकों से आजाद, हकीकी आजादी दिलवा। हम उधर वो दुआ हो रहा है, हमें क्या पता कि ये अपना टोर लेके मदीना चला गया शहबाज शरीफ, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो बाद में पता चला कि मदीना में भी इनको चोर चोर के नारे लग गए, चोर के नारे मदीना में लगते हैं और तोहीने मजहब की FIR मेरे पे कट जाती है। तो ये
केसेस बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इनका पालतू, वो कभी कोशिश कर रहा है डिस्क्वालीफाई करने की, कभी एक केस कभी दूसरा, और इनकी सिर्फ डरे हुए हैं कि आज सारी पाकिस्तान की अवाम, आज अवाम पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आज सारी मेरे साथ खड़ी है इन चोरों के खिलाफ। कभी सुने 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 बस, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे याद कराया गया कि बहावलपुर में एक बहुत बड़ा मूछों वाला लोटा है, इंशाल्लाह उस बड़े मूछों वाले लोटे को मैं खुद कैंपेन करके इंशाल्लाह हराऊंगा उसको। अच्छा सुने जरा चिश्तियां सुने जरा, माशाल्लाह बड़ा बाशऊर क्राउड है। अब मेरी जरा दूसरी बात पहले जरा सुने कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा। अच्छा पहले इन्होंने कोशिश की धांधली करके इलेक्शन हराने की, वो फेल हो गई। 25 मई को इन्होंने हमारे पर जुल्म किया, डराने की कोशिश की, वो फेल हो गई। फिर उन्होंने और केसेस किए, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इदारों के खिलाफ, तहरीक इंसाफ को इदारों के खिलाफ किया जाए, इदारों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया जाए। कभी वो अदलिया को कहते हैं कि जी देखें इमरान खान ने आपके मुतल्लिक क्या कह दिया, बेशर्मो शर्म करो, तुमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया हुआ है। बल्कि अगर वो है ढूंढ लो, अगर तुम्हारे पास वो क्लिप है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करते हुए, कभी दुनिया की जमहूरियत की तारीख में नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करती है, चीफ जस्टिस को भगा देती है, जजेस के ऊपर ब्रीफ केस चलाती है, उनको खरीदती है, और एक ईमानदार एक गैरतमंद चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को फारग कर देती है, ये कभी नहीं हुआ। तो नून लीग शर्म आनी चाहिए तुम्हें उस आदमी को जो कि पहले दिन से कहता है कि आजाद अदलिया होनी चाहिए, अपनी अदलिया की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमें अदलिया को मजबूत करना चाहिए, जिसकी स्ट्रगल जो जेल में गया है आजाद अदलिया के लिए, तो इनकी पूरी कोशिश है कि मुझे उनसे लड़ाया जाए। और दूसरा ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तानी फौज और मुझे लड़ाया जाए। देखो नून लीग वालों, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पाकिस्तानी फौज मैं फिर से कह रहा हूं मेरी है, मेरा मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। वो बोला अच्छा अब ये जरा सुने, इन्होंने पाकिस्तानी फौज के मुतालिक क्या कहा, मैं सिर्फ सबका नहीं दिखाऊंगा एक का, जरा ये वीडियो आप देखें और फिर मैंने क्या कहा। आपको आज वैसे मैं काफी फिल्में दिखाऊंगा। तो हमारे के जो मरियम के पास और अगर बिगड़ो गया तो फिर अगर हम भी क्या बात करते हैं, मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, दफा के लिए ये पूरी एक मिनट इसको भी जरा सुना दें, ये इम्प्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से, कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो, अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी।
बेटी भाई वो अक्यूज आपने सुना। ये कह रहा है अपने आर्मी चीफ, उसके मतलब कह रहा है कि उसकी टांग पे टांग रही थी, पसीना आया हुआ था। मैं तब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था जब पुलवामा हुआ, पाकिस्तान, और मुझे पता है कि सारी एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, जॉइंट चीफ, हम सब इकट्ठे थे, और मैं आपको यकीन से कहता हूं किसी की कंपनी टांग रही थी। अब ले इन्होंने जो कहा है, अब ये सुने कि हिंदुस्तान क्या कहता है। मैं खड़े होकर कहा कि मुझे यह बताया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे, और उन्होंने यह बताया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत के ऊपर, भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है। सुन लिया आपने कि भारत पहले एआज सादिक वो कहता है, फिर भारत का वजीर ये कहता है कि देखे कि पाकिस्तान कितना हमारे से डरता है। तो मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जब अपोजिशन में जाते हैं फौज को बुरा भला कहते हैं, अदलिया को बुरा भला कहते हैं, और आज गवर्नमेंट में आए हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और अदलिया की और फौज की आपस में लड़ाई हो। अब ये सुने कि इमरान खान क्या कहता था फौज के मुतालिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को मजबूत, इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो सरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसे। तो सुन लिया, और कभी मेरी हमेशा कोशिश हुई है कभी अपनी अदलिया और अपनी फौज, कभी भी मैंने इनकी तनकीद की तो मेरी कोशिश होती है कि तामीरी तनकीद की जाए, जिस तरह बाप अपने बेटे के लिए करता है, उसको तनकीद करता है ताकि वो बेहतर इंसान बने। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर इदारा बेहतर हो, हम कभी अपने मुल्क के इदारों को कमजोर करने कभी भी हमने कोशिश नहीं की, ना करेंगे। ये जो गवर्नमेंट है, चिश्तिया सुनो जरा, इन्होंने इस खौफ से कि कौम आज सारी कौम आज हमारे साथ खड़ी हो गई है, इलेक्शन में ये हारे धांधली के बावजूद, तशद्दुद उन्होंने किया फिर कौम खड़ी हो गई। जलसे कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे हुआ ही नहीं। चिश्तियां का ये जो जलसा हुआ है, हो रहा है, ये चिश्तियां की तारीख में कभी ऐसा जलसा नहीं हुआ। तो इससे डर के अब पूरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कल पेशावर का जलसा था, इन्होंने सारे टीवी पे बंद कर दिया, इन्होंने यूट्यूब ही बंद कर दी, दुनिया में मजाक उड़वाया, सिर्फ खौफ इनको कि किसी तरह ये चोर पाकिस्तान पे मुसलत रहे। और ये जिन्होंने लेके आए, वो लोग जिनकी ये खिदमत कर रहे हैं, जो इनके बैरूनी आका हैं, जो इनको लेके आए, ये इनकी सबकी कोशिश है कि इनके ऊपर, हमारे ऊपर मुसलत रखो। मुझे चिश्तिया, मैं आज आपके सामने एक नई इंकशाफ कर रहा हूं,
जब सुने मुझे मालूम हुआ कि अब एक नया प्लान बन रहा है। मुझे कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान सैलाब के लिए काम करो, सियासत ना करो। मैं इनको ये कहता हूं कि सैलाब के लिए इंशाल्लाह जो काम मैं करूंगा, मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान में काम करूंगा और मेरी जमात भी करेगी, गवर्नमेंट से भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं अपनी हकीकी आजादी की तहरीक भी चलाऊंगा साथ पूरी तरह, तुम चोरों का मुकाबला भी करूंगा। तो अब हमें पता चला कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे लोगों को एमपीज के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं, और साथ फिर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वो भी तैयार हो गए हैं, वो जाके धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने ना गए दूसरी तरफ तो हम ये कर देंगे। मैं आज इन सबसे सवाल पूछता हूं, मैं ये पूछता हूं कि क्या तुम्हें पाकिस्तान की फिक्र है? क्या तुम्हें फिक्र है अपने मुल्क की कि जो आवाम के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो? एक पाकिस्तान की आज फेडरल पार्टी है जो चारों सूबों में, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में गवर्नमेंट है हमारी, जो एक जमात सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, उस जमात को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोगों को डरा और धमका रहे हैं। मीडिया में जो हमारे लिए लिखता है, जो हमारा मौकफ सामने रखता है, एआरवाई को बंद कर दिया, बोल को बंद कर दिया, अच्छे अच्छे सहाफी, नामवर सहाफी जो अपने जमीर का सौदा नहीं करते, दो मुल्क से बाहर चले गए क्योंकि उनको इतना इन्होंने डराया और उनको पर खौफ तारी किया। उसके अलावा बाकी सहाफियों को, चैनल्स को बकायदा इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुमने तहरीके इंसाफ को कवर नहीं करना। इस्लामाबाद का हाईकोर्ट कहता है कि दिखाओ गलत बयान किया तुमने इमरान खान को, उसके बावजूद ये टीवी नहीं देखने देते, इसलिए कि कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जमात को कमजोर करो। मैं आज सबको आज यहां से पैगाम देता हूं, जो मर्जी कर लो, मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। ये जो कोशिश हो रही है पंजाब गवर्नमेंट गिराने की, अब मैं आपको उनके मुंह से बता रहा हूं कि नून लीग के लीडर इसके मुतल्लिक क्या कहते हैं कि अदम एतमाद कैसे कामयाब होती है। तो ये जरा गौर से चिश्तिया ये इनके लीडर्स के मुंह से सुने ये क्या कह रहे हैं। तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद का जो निज़ाम है इस्टेब्लिश बगैर मुमकिन नहीं है, कोई डील करके इक्तदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमून कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुश्त पे हो। इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील करती है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में, यानी मुकर्रम खुद जो है मौजूद है। तो मैं चिश्तिया सुना आपने
ये सारे इनके लीडर कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद नहीं हो सकती। अब इसका दूसरा मतलब क्या कि अगर पंजाब में आप अदम एतमाद कामयाब हुई तो इनके बकौल इनकी जबानी ये एस्टेब्लिशमेंट करवाएगी। इसलिए मैं सबको आज पैगाम देना चाहता हूं कि देखें इस मुल्क का सोचें, अपनी कौम का सोचें। ये जो सारे तमाशे हो रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे हालात आज ऐसे हैं कि हमारे मुल्क उस मुआशी बुरान से गुजर रहा है जो पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं था। जब से ये चोर ऊपर मुसलत किए गए हैं, ये सारे चोर आके कहते थे कि इमरान खान को इसलिए हटाना चाहिए कि महंगाई है। चार महीने में चिश्तियां, चार महीने में जो महंगाई हुई पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। हमारा जिस तरह रुपया गिरा, हमारा जो रुपया गिर रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में इतने कम वक्त पे इतनी तेजी से नहीं गिरा। जो हमारे किसानों का हाल है, चार महीने के अंदर किसानों का आज वो हाल है कि हमें खौफ आ रहा है कि सैलाब अगर साथ सैलाब की वजह से भी, और जो इन्होंने बिजली के बिल महंगे किए हैं, जो डीजल महंगा किया है किसानों के लिए, जो हालात हैं आज, हमें यह डर है कि पाकिस्तान हमारे लोगों के पास सही अनाज ही नहीं होगा सर्दियों के बाद। और उस वक्त जब हमारी मईशत, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जब आईएमएफ के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिर रहा है, तो इन हालात के अंदर क्या यहां मुल्क में ये सियासी खेलें चल रही हैं कि पंजाब की हुकूमत गिराओ, पहले गिराई फिर से गिराने की कोशिश करो। ये सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है ये मेरी कौम की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ जो इंटरनेशनल अदारा है वो कहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। जिस तरह श्रीलंका के अंदर लोग सड़कों के ऊपर आ गए, खुद ही जो बिजली के बिल आज हैं, आज यहां सामने मेरी बहनें हैं, मुझे बताएं आपको बिजली के बिल मिले, बिजली के बिल मिले? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे दौर में 18 रुपए यूनिट था, आज सुनने जरा, चार महीने पहले 18 रुपए यूनिट था, आज बिजली का यूनिट तो पहुंचे 36 रुपए का, दुगना, लेकिन टैक्स लगा के ऊपर 50 से 55 रुपए यूनिट चला गया। और अभी आईएमएफ कहती है कि और बिजली बढ़ेगी, गैस दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी। तो सवाल यह है कि जिस मुल्क को पहले तो साजिश करके चोरों को मुसलत किया, फिर माशी हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं, और आज भी खेलें कोशिश हो रही है कि किसी तरह पंजाब की हुकूमत गिराई जाए ताकि वो जो लंदन भगौड़ा गया हुआ है वो वापस आ सके। नवाज शरीफ सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं कि वापस आओ, और जल्दी वापस आओ। ये मेरा आपसे वादा है कि ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी, और वो ऐसा इस्तकबाल होगा कि इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। कि नवाज शरीफ क्यों क्यों ये मफरूर है, ये क्या क्या हुआ, ये कहानी किधर से शुरू हुई? ये कहानी आज से 10 साल पहले शुरू होती है। मैं अब आपको एक और फिल्म दिखाने लगा हूं, एक और फिल्म दिखाने लगा हूं, तैयारी कर लो। मरियम ना आपकी इनकम इतनी, मैं इस फिल्म के अंदर, ये मरियम की फिल्म नहीं है लेकिन मरियम है इस फिल्म में। ना आपकी इनकम इतनी है कि आपको ये प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने मेफेयर के अंदर जो आपकी चार अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है, अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपया, मुझे ये बताइए कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? अब ये
ऑपोजिशन लीडर बन के मैं इनसे पूछ रहा हूं, मुझे यह बताएं कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में, लंदन यूरोप का सबसे महंगा शहर है, उसके सबसे महंगे इलाके में इन्होंने 4 बड़े बड़े महलात अरबों रुपए के खरीदे, तो मैं आज से 10 साल पहले मैं पूछ रहा हूं कि किधर से पैसा आया, क्योंकि आपने टैक्स तो दिया ही नहीं, टैक्स में जो आप बता रहे हैं आपके पास पैसा है ही नहीं, तो आगे जरा ये सुने क्या होता है। बात यह है कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है, बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। सुन लिया बात, ये शहबाज शरीफ का बेटा जो मफरूर हुआ हुआ है, ये कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो, ये जरा गौर से सुन ले। मैंने कहा तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज हैं, कहते हैं हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। अब जरा ये मरियम बीबी को सुन ले, कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं अपने वालिद के पास है, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहां से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इग्नोरेंस की बात है। ये अब ये सुन लो चिश्तिया, सुन लो, 1965 के अंदर जब जंग हुई थी, 1965 की जंग में, तो हिंदुस्तान से एक रेडियो चलता था, उसको कहते थे रेडियो आकाशवाणी। आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन रेडियो आकाशवाणी का काम होता था कि झूठ पे झूठ बोले जाओ, ये है हमारी रेडियो आकाशवाणी। अच्छा आप जरा सुने, कह रही है कि जनाब वो कौन सी प्रॉपर्टीज, मेरे पास तो बेचारी के पास कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान वहां छोड़े, मेरे तो बुरे हालात हैं, मुझे तो वो एहसास प्रोग्राम में डाल दो। अब ये सुने जरा, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ, पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। सुन लिया चिश्तिया, सुन लिया, इन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, इनको नहीं पता था कि इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाएगा पैनामा का। बड़े बड़े दुनिया के वजीरों ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने मुल्क से पैसा चोरी करके छुपाया हुआ था, वो सारा भांडा फोड़ गया, इंकशाफ हो गया। तो जब ये इंकशाफ हो गया तो मरियम के भाई क्या कहते हैं, ये जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। चिश्तिया क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे, मैं आपको बताता हूं क्या। अब नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था, उसने यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गया, 4 महंगे महंगे लंदन के महंगे इलाके में बड़े महल खरीदे, और उसने मरियम के नाम पे खरीद लिए। अब वो बेचारी मरियम फंस गई, अब वो झूठ बोल रही है कि जी मेरी तो है ही नहीं, भाई साहब ने वो कह दिया कि नहीं जी उन्हीं की है। अब चिश्तिया मैं आपको जो बात कहने आया था, बड़ा जरूरी है आपके लिए, अमर बिल मारूफ, सारी कौम को अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो। अब सबको पता है कि ये वो लोग हैं 30 साल से इस मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, ये जरदारी। कौम के ऊपर लाजिम है कि सब कौम मिलके इनके खिलाफ खड़ी हो, क्योंकि ये सियासतदान नहीं है, ये इस मुल्क के डाकू हैं। और चिश्तिया ये अब इलेक्शन जब आ रहा है आपका इतवार को, मैं ये सबको आज ड्यूटी लगा के जा रहा हूं कि आपने घर घर जाके, और मेरी बहनों आपने भी घर घर जाना है, मुजफ्फर को जताना है। लोगों को आपने बताना है,
कि इस वक्त पाकिस्तान एक फैसला कुन वक्त पे खड़ा है। हमारे सामने दो रास्ते हैं। जिस तरह आप जब नमाज पढ़ते हैं आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। हम सब के सामने दो रास्ते हमेशा देता है अल्लाह। हमारे ऊपर होता है कि हम वो रास्ता लें जो हमारी अजमत का रास्ता है, वो रास्ता ना लें जो तबाही का रास्ता है। आज तक क्योंकि हमने इस तरह के चोरों को वोट दी, हमने इस तरह के चोरों को छोटे छोटे फायदे, जाती फायदे करवा के इनको वोट दी, उसकी वजह से बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है इस कौम को। वक्त है कि हम अपना रास्ता, वो रास्ता लें जो नमाज में हम मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, और वो रास्ता था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हमारी अजमत का रास्ता है, वो मुश्किल रास्ता है, लेकिन वो इस मुल्क को उधर लेके जाएगा। जो शुरू में जब मैंने आपसे कहा कि जब इतना अजीम अल्लाह से आपने वादा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, आपने दावा किया कि जो अल्लाह के अहकामात हैं उन पे चलेंगे आप, और इसलिए आज मैं सबको, आज चिश्तिया मैं तो आपकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं कि ये इलेक्शन मुजफ्फर का नहीं है, ये पाकिस्तान में एक इनकलाब का इलेक्शन है, आपने इनको शिकस्त देनी है और इसको इंशाल्लाह वो मुल्क बनाना है जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी और मेरे लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद थी। पता था कैंसर से वो जा रहे हैं, पता था ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना, लेकिन हमारे लिए कायद आजम ने बीमारी के अंदर जद्दोजहद की और हमें एक मुल्क दिया जिससे अभी तक हमने इंसाफ नहीं किया। वक्त आ गया कि अपना रास्ता सीधा करना, वक्त आ गया मेरे पाकिस्तानियों, वक्त आ गया है कि उस रास्ते पे चले जो हमें इस कौम को एक अजीम कौम बनाएगा, दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी। जब हम उस रास्ते पे चलेंगे हमें फख्र होगा, दुनिया में जिधर भी जाएंगे लोग पाकिस्तानियों को इज्जत की तरफ निगाह से देखेंगे। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं और उसका सफर शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह इतवार को आपने इलेक्शन जितवा के